कहानी है वेंडम नामी एक आदमी की जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान सहरा में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद इस सहरा में उसे परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ता है। सूरज ग्रहण से पहले वो अपना सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेने के बाद उसे शाम होने से पहले पहले इस सहरा से बाहर निकलना था। वो पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान सहरा में एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। इस सुनसान इलाके में एक अकेले बच्चे का होना अजीब बात थी। वेंडम इधर उधर दिखता है, आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस लड़के का साथी या फैमिली माने। कि बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, वेंडम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। वेंडम पूछता है, ओ बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि भाई कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी वेंडम को इस बच्चे का पीछा करना पड़ा था। वो बच्चा वेंडम को उसकी कार से कई किलोमीटर उल्टी डायरेक्शन मिलाकर छोड़ देता है और हंसते हुए बिना उससे कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। वेंडम ये बात समझ गया था कि ये बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ लाना चाह रहा था, पर अब आगे वेंडम के साथ क्या होने वाला था वो ये नहीं जानता था। वो हर हाल में शाम होने से पहले तक अपनी कार तक पहुँचना चाह रहा है, पर वो ये भी जानता है कि जितनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चले रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस सहरा में भटक जाएगा। और उसके साथ यही हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और वो खो चुका था। वो अब यहाँ एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वेंडम को करीब ही कहीं से कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाजों का पीछा करने पर वो एक खाई में पहुंचता है जिसकी गहराई में एक घर था। वहां बंदी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेते हुए वेंडम उस घर तक पहुंच चुका था। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरन वेंडम को जबरदस्ती इस घर के अंदर आना पड़ा है। अजीब बात थी, किसी अनजान इंसान के अंदर आने पर भी ये औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी। वो अपने काम में मगन रहती है। वेंडम उससे कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे फोन की जरूरत है, क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है? ये औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वेंडम यहाँ उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि मैं बच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जिन सभी बातों के जवाब में ये लड़की उसे कहती है कि काफी रात हो रही है तुम्हें सोना चाहिए। वेंडम भी खामोश होकर सोने चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की वेंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह जब वेंडम उठा तो वो लड़की सो रही थी। वेंडम उसके घर कुछ पैसे रखकर यहाँ से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वो इस खाई में आया था वो सीढ़ी यहाँ थी ही नहीं। ये जगह काफी गहराई में थी, चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की के जागने पर वेंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहाँ रखते हैं। वेंडम उससे पूछता है कि यहाँ कोई और लोग भी रहते हैं, जिस बात का लड़की कोई जवाब नहीं देती। वेंडम अब इंतजार करता है कि शायद वो लोग सीढ़ी वहाँ वापस लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर उधर की तस्वीरें लेने लगता है और दोपहर तक जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं आती तो वेंडम खुद ही इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, पर इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था। मजबूरन उसे दूसरी रात में यही गुजारनी पड़ी। अगले दिन भी जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती तो वेंडम अलीना नामी इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस मरतबा वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। वो लोग ऊपर से वेंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से वेंडम डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो वहीं पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हथौड़ी उसके पाँव में लग चुकी है। पूरा दिन छोड़कर इस वक्त पर वेंडम को दर्द से चिल्लाता देखकर अलीना उसकी मदद को आती है। वो उसके पाँव से हथौड़ी निकालकर उसको पट्टी बांध देती है और ऐसे वेंडम और दो दिन के लिए यहीं पर फंस जाता है। दो दिन बाद वो दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इस मरतबा भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। उसकी चीखे सुनकर अलीना भी बाहर आती है। वो अलीना से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। अलीना घबराते हुए वेंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वेंडम कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिंदगी में वापस जाना है। अलीना यहाँ वेंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है, फिर वेंडम उससे दूर चला जाता है। और तभी वहाँ ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, ओ लड़के तुम मदद के लिए चला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
इन्हें देखकर वर्णम बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे बस रस्सी चाहिए जो मुझे यहाँ से निकाल ले। ये लड़का उसे ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ के लाता हूँ, तो मेरा यहाँ इंतजार करना। वर्णम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद रस्सी भी उसको दे दी जाती है। वो लड़की वर्णम से कहते हैं कि इस रस्सी को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेट लो। वर्णम भी उसे अपने इर्द गिर्द अच्छे से बांध लेता है और वो लड़की उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं। लेकिन दरमियान में इन लड़कों ने वर्णम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वो वर्णम को रस्सी से बुरी तरह चला रहे थे। वर्णम जोर जोर से चलाता है कि रोक दो मुझे, ऐसा ना करो, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। और फिर एक पॉइंट पर वर्णम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब एलिना आकर इनसे इनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो। अब बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। वर्णम को जब होश आया तो वो एलिना के बेड पर था। वो दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे। वो आगे जा नहीं पाता और वही जमीन पर लेट जाता है। इस वक्त पर एलिना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, जितना जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल कर ले, अब उसे यही रहना पड़ेगा। वर्णम जिसे भी ये बात समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, वो एलिना की बात मान लेता है। दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे थे। वो बच्चे जिन्होंने वर्णम को यहाँ फंसाया था, वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत की चीजें इन्हें दे दिया करते थे। एलिना वर्णम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वर्णम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। पर इस सब के बावजूद भी वर्णम को एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। और फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ इनको अल्कोहल भी दी, जिसका इस्तेमाल रात में वर्णम ने काफी किया और नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एलिना के काफी करीब आ गया। खैर अगला दिन होता है और आज भी दोबारा वर्णम यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। पर आज एक उम्मीद की किरण उसके लिए आई थी। एक लड़का उससे बातें करता है और उसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वर्णम उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर। एक मर्तबा तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी या तो कहीं दूर गए हों या फिर सो रहे हों, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप तैयार रहना। वर्णम कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उस लड़की के साथी ने आकर उसे वर्णम से बातें करते देखकर उसे पकड़ लिया था। अब जब वो घर आता है तो एलिना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वर्णम काफी परेशान हो चुका था। काफी अरसे का वक्त भी गुजर गया था और अभी तक वो बच्चा जिसने कहा था कि वो वर्णम की मदद करेगा वो भी नहीं आया था। और एक रात अब उन्हें ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिस पर एलिना बताती है कि वो लड़की अपना कोई रिचुअल कर रही है। वर्णम की अगली सुबह एलिना की रोती और चिल्लाती आवाजों से हुई थी। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने वर्णम की मदद करने को कहा था उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था। और उसे ही देखकर एलिना जोर जोर से रो रही थी। वो वर्णम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वर्णम को मारना शुरू करती है। वो वर्णम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेचार हो गया था, जिसके बाद एलिना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने तक वो इसी पिंजरे में कैद रहा। एलिना उसे खाना और पानी दे देती थी जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतना अरसा गुजरने के बाद एक और उम्मीद वर्णम के लिए जागी थी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई थी जो वर्णम को इस पिंजरे में बंद देख कर भी हैरान हो रही थी। वर्णम उसे मदद मांगता है और उसे यहाँ से निकालने को कहता है। लड़की भी फौरन उसकी मदद के लिए किसी को लेने जाती है, लेकिन कुछ ही देर में ऊपर वो लड़के जिन्होंने वर्णम को यहाँ कैद किया हुआ था वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। इन लड़कों ने वर्णम के सामने ही उस लड़की का मर्डर कर दिया था। और इसके बाद वर्णम ये समझ जाता है कि वो कभी इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं और वर्णम को एक दिन जिस देख कर वर्णम ये अंदाजा लगाता है कि यहाँ एक पूरा कबीला रहता होगा। एलिना के पास भी कुछ दिनों में एक बेबी होने वाला था। वर्णम एलिना से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है तो मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एलिना ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। और एलिना का जवाब सुनने के बाद वर्णम उससे कहता है कि प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे इस जानम की जिंदगी से आजाद कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। एलिना ये सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से जा चुकी थी और वर्णम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था। कुछ दिन के बाद दोबारा एलिना वर्णम के पास आती है। वो उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। वर्णम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चिल नहीं पा रहा था। आज वर्णम देखता है
कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी जिसके जरिए वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था, पर वो अपने आप को आजाद करवाने से बेहतर अलीना की मदद करने को समझता है। अलीना के पास एक बेटा पैदा हुआ था जिसे देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। इस बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के जिन्होंने वैनम को यहाँ कैद किया हुआ था वो सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वैनम का गला काट कर उसे मार डालते हैं और वैनम की लाश वहीं पड़ी आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।